हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को हुए एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद को राजनीतिक व सामाजिक कार्यों के लिए न केवल गाड़ी भेंट की बल्कि अब 36 बिरादरी की मदद से उन्हें 1 करोड़ रुपए का चंदा भी इकट्ठा करके देने का ऐलान किया है। जो ये पूरे के पूरे हरियाणा के युवा साथियों ने एक रथ, कृष्ण रूपी रथ जो नवीन भाई को भेंट किया है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो घोषणा की है आने वाले नए साल में सभी साथी 36 बिरादरी का चाहे 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो, चाहे 10 रुपया, 1 करोड़ रुपया नवीन भाई को देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के पैसे से ही वो पार्टी चलेगी। मैं इन नौजवान साथियों को और समस्त हरियाणा से जो साथी आए हैं जिन्होंने ये गाड़ी भेंट की है, उनका भी धन्यवाद। ये पहली बार है जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए आप पार्टी की मदद को हाथ आगे बढ़ाया है। आप प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने भी हर समय जनता की सेवा के लिए हाजिर रहने का भरोसा दिया। युवा ब्राह्मण सम्मान समारोह यहाँ पे था और आम आदमी पार्टी जो अच्छी छवि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं जिन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया है, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। जो बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के इन लोग हैं उनको छोड़ के जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने समाज के लिए काम किया उनको हम सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए मुख्य रूप से लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है उसकी आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नवीन जयहिंद ने बीजेपी, कांग्रेस व इनेलो को CBI करार देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी बीजेपी, कांग्रेस व इनेलो को छोड़कर किसी भी साफ छवि के दल के साथ जाने को तैयार है। CBI को छोड़ गए, CBI मतलब सी कांग्रेस, बी बीजेपी, आई इनेलो, CBI को छोड़ गए किसी भी व्यक्ति संगठन के साथ बैठ के बात करने में हमें कोई समस्या नहीं है। जो हरियाणा को बदलना चाहते हैं और हरियाणा के अंदर एक आम आदमी की राजनीति करना चाहते हैं। नवीन जयहिंद ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि निगम चुनाव में बीजेपी धोखाधड़ी से जीत हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस व इनेलो के लिए SYL का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा को पानी नहीं मिला। मुद्दा इन्होंने जिंदा रख रखा है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है राजनीति करने के लिए, जिस तरह कश्मीर का मुद्दा जिंदा है रख रखा है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, ऐसे ही हरियाणा में इन्होंने अपना SYL का रख रखा है। जिनको लगता है कि हरियाणा के अंदर बदलाव के लिए लड़ाई लड़नी है उनका सबका स्वागत है भाई साहब। अब भाई साहब एक ही प्लेयर भाग रहा है तो वही जीतेगा, सीधी बात है। अब खिलाड़ी एक भाग रहा है क्योंकि भाई पहली बात तो स्थानीय जो चुनाव का मामला है, प्रशासन पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जब लोग विधानसभा चुनाव में भी मशीनों का आदान प्रदान हो रहे हैं, रात को CCTV बंद हो रहे हैं, ट्रकों से इधर से उधर मशीनें लाई जा रही हैं, तो लोकल चुनाव तो छोटी ही बात है भाई साहब इनके लिए गड़बड़ करना। और बीजेपी का तो देखो राह ऐसे कहीं पे भी हो, इनका छेड़खानी करने में तो आगे रहे हैं। हिंद एक्सप्रेस के लिए पानीपत से परवीन भारद्वाज की रिपोर्ट।